દેશમાં ધર્માંતરણનો મુદ્દો છેલ્લા ઘણા સમયથી ચગ્યો છે. આરએસએસ અને બીજા અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા ઘર વાપસીનો કાર્યક્રમ ચલાવવામાં આવતા મોદી સરકાર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ છે, ત્યારે આરએસએસ દ્વારા અમદાવાદમાં એક શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 3 દિવસ સુધી ચાલનારી આ શિબિર અંગે માહિતી આપવા માટે એક પત્રકાર શિબિરને મનોમોહન વૈદ્ય સંબોધન કર્યું હતું. संघ की शाखा में कई मुस्लिम ईसाई भी आते हैं, वर्षों से आ रहे हैं, कन्वर्ट देम, उनको हम फिर से हिंदू बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं. वे संघ के कार्यकर्ता रहकर भी अपने अपने मजहब का पालन कर रहे हैं. यहाँ रहने वाले सभी लोग, उनका मजहब चाहे जो हो, उनका मूल एक है, हमारे जीवन का एक दृष्टिकोण एक है, हमारे पुरखे एक है, यही मानते हैं. तो कल्चरली सभी लोग हिंदू ऐसा मानते हैं, और संघ शाखा में जो आते हैं वो अपने अपनी मजहब की आइडेंटिटी लेकर नहीं आते हैं, वो हिंदू के नाते आते हैं, अपनी जाति की, अपने पंथ संप्रदाय की आइडेंटिटी भूलकर एक लार्जर कल्चरल आइडेंटिटी लेकर वो लोग आते हैं. लेकिन ऐसा सारे देश में नहीं, दुनिया में ऐसा एक प्रवाह चल रहा है, अपने कल्चरल रूट से जुड़ने का एक प्रवाह चल रहा है. भारत में भी है, अनेक ट्राइबल एरिया में चल रहा है. तो जो जुड़ना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो उनका लोग स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो अलग है. इसको कन्वर्शन लोग कहते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करवाते. इसलिए घर वापसी इज ए होम कमिंग, इज एन नेचुरल अर्स टू रिकनेक्ट टू द रूट्स, ये अलग है, और इसलिए दोनों में अंतर है. અમદાવાદમાં શરૂ થયેલી શિબિરમાં આજે બીજેપીના પૂર્વ નેતા સંજય જોશીએ હાજરી આપી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે શિબિરના પહેલા દિવસે આતંકવાદ અને ગ્લોબલ રિસેશન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મેહર દુદરેજિયા, ન્યૂઝ ઓન 9, અમદાવાદ.